शिक्षा को समर्पित के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ऑथेंटिक न्यूज़ कक्षा पहली से पाँचवीं तक के छात्रों के लिए हैं, जो कि कक्षा पहली से पाँचवीं तक के छात्र विद्यालय नहीं जा सकते और सरकार का सख्त आदेश और ऑथेंटिक न्यूज़ का हम आपको प्रेस नोट दिखाएंगे। पाँचवीं बोर्ड परीक्षा भी नहीं होगी और कक्षा पहली से पाँचवीं तक सभी बच्चों को प्रमोट किए जाएंगे और ये 15 मार्च 2021 का प्रेस नोट आपको दिखाएंगे और 16 मार्च 2021 की ये न्यूज़ है। तो यहाँ की खास न्यूज़ ये है कि कुछ स्कूलें कक्षा पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को विद्यालय में बुला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट और निजी दोनों तरह के। तो यहाँ पर जो एक पूरे राजस्थान के तौर पर जो जालौर ज़िले की न्यूज़ है वो हम आपको बता देते हैं। जालौर ज़िले में कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने ये प्रेस नोट है और पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा दूरदर्शन केंद्र के पास जालौर से ये न्यूज़ है। दिनांक 15 मार्च 2021 को ये सूचना अग्रेषित की गई है। प्रेषित किसको किया गया है? समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सभी बीडीओ को जो जिले के अंतर्गत आते हैं उनको प्रेषित किया गया है। जिला जालौर के विषय समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण हेतु छात्रों को नहीं बुलाने के क्रम में। जी हाँ, प्रसंग श्रीमान निदेशक महोदय बीकानेर के पत्रांग शिविरा माध्यमिक समग्र विविध दिवस 2018 495 दिनांक 2/2/2021 के क्रम में ये बताया गया है। इस न्यूज़ को विस्तार से बताते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक ही नहीं, संस्कृत व्याकरण भी पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी कक्षा के अलग अलग प्लेलिस्ट को प्ले करके पूरे के पूरी वीडियो एक साथ आप देख सकते हैं और पूरा अध्ययन कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपके कक्षा 9वीं 10वीं के 60% कम किया गया है वो कोर्स और 48% कोर्स जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं का अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी है उसका अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा रीड संस्कृत भाषा संपूर्ण कोर्स पढ़ाई हुई है। जी हाँ, आगे की न्यूज़ हम आपको बता देते हैं। उपयुक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि जैसा कि देखने में आया है कि कुछ विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को विद्यालय में शिक्षण हेतु बुलाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। समस्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को शिक्षण हेतु बुलाना जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, वह विभागीय निर्देशों की अवहेलना है। विभागीय निर्देशानुसार केवल कक्षा 6वीं से 8वीं तथा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही विद्यालय में शिक्षण हेतु बुलाया जाना प्रस्तावित है और SOP की कठोरता से पालना सुनिश्चित करनी है। SOP क्या है? कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में जो भी व्यवस्था बनाई जानी हो योग्य है उनको SOP के अंतर्गत रखा गया है। आगे आपकी सूचना है, अतः आप अपने ब्लॉक के सभी PEO CRC नोडल प्रभारी को पाबंद करें कि आपके ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्र में किसी भी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को शिक्षण हेतु नहीं बुलाया जाए, वह कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षण नहीं हो, इसकी कठोरता से पालना सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने वाले संस्था प्रधानों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करें। जिला व ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी भी परिवीक्षक के दौरान अपनी मॉनिटरिंग करेंगे, वह कठोरता से पालना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से आपके जो है ये बहुत ही बड़ी खबर है जो कि कोरोना की अवहेलना के बाद में किसी जिला शिक्षा अधिकारी ने इस तरह से अग्रेषित किए हैं। यहाँ पर आप ऑथेंटिक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालौर 15 मार्च 2021 सिग्नेचर देख सकते हैं और ये क्रमांक MUZCA जालौर 2021-16-61-63 है। प्रतिलिपि जिला श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजा गया है। श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मंडल पाली को भी भेजा गया है। कार्यालय प्रतिलिपि रखी गई है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालौर द्वारा सिग्निफाई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने मधुर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।